गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है मैं सुबह सुबह आपको वीडियो दिखा रही हूँ। इसका क्या रीज़न है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो पर बने रहें। देखिए, सुबह की जो है झाड़ू श्रेया लगा रही है और मैं आ गई हूँ छत पर थोड़ा सा हवा लेने के लिए। काफ़ी गर्मी जो है अभी पड़ रही है, तो थोड़ा छत पर आ गई कि सुबह सुबह जो है हवा लेना अच्छा होता है सुबह का, और फूल पत्तियों को भी देखने के लिए। ऊपर जो है आने के बाद एकदम से बच्चों के जैसे ये पेड़ पौधे देखने का मन करता है कि जा कर के थोड़ा सा देखाऊँ। देखिए, सभी जगह जो है लाइट्स चल रही हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो है 4 बजे का समय हो रखा है। और जो है देखिए, अभी भी चांद जो है इस तरह से दिख रहा है आसमान में, और जो है मेरे फूल जो है खिलने के लिए एकदम तैयार हैं। देखिए, ये कली जो है खिली हुई है और मैं इनको तोड़ लेकर के जाऊंगी ताकि जो है मैं पूजा कर सकूं। इस वजह से मुझे इसको तोड़ना है, और मैं देख भी रही हूँ कि और क्या क्या खिला हुआ है। वैसे गर्मी में जो है ना अभी खिल नहीं रहा अच्छे से जो है उड़हल का फूल, तो देखिए कितना मतलब इस तरह से ख़राब हो गया है पेड़ पौधा। देख ही सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। दोनों टाइम तो वैसे मैं इनमें पानी डाल रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी देखिए, ये तो मनी प्लांट पूरा जल गया था। मतलब मैंने बाहर ही रखा था, तो फिर ले जा कर के सीढ़ी पर मैंने रख दिया है। तो अब चलते हैं नीचे और अब करते हैं आगे का काम। तो आगे मैंने जो है चढ़ा रखा है ये पानी, पहले तो पानी पी लेते हैं हम लोग। तो अभी चाय तो नहीं बनाया है क्योंकि चाय का भी दूध भी नहीं था, और अभी जो है दूध वाले दूध भी नहीं देते हैं। तो खैर, पानी अभी पी लेती हूँ और ले चलती हूँ आपको एक ख़ास जगह आपको घुमाने के लिए खूब सुबह सुबह ही। तो आप बोलेंगे कि कहाँ जाना है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि श्रेया जो है अभी बाइक चलाना सीख रही है। वैसे तो वो कई दिनों तक अपने पापा के साथ गई थी, लेकिन आज जो है मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो सब लोग तैयार हो गए हैं और चलते हैं जहाँ पे बाइक सीख रही है। तो पास में तो नहीं सीख सकती है क्योंकि उतना स्पेस होना चाहिए, तो कुछ दूर पर है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में जो है वो जाती है और वहीं पर सीखती है। एक यूनिवर्सिटी है और वहीं पर जो है जा कर के और सीखती है मैं हम लोग के शहर का। तो चलिए, आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं मेरे यहाँ का यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले जो है हस्बैंड निकाल चुके हैं अपनी गाड़ी और साफ़ कर रहे हैं। और देखिए, ये है कुछ रास्ते के व्यूज़। और अभी जो है उस समय देखे हुए थे कि अंधेरा सा था, अभी जो है दिन निकल गया है। हालांकि सूरज जो है नहीं निकल रहा निकला, और सुबह तो मतलब 5 बजे से ही आजकल तो सूरज भगवान जो है दस्तक दे देते हैं, लेकिन अभी जो है नहीं निकला है, तो उतनी गर्मी नहीं है। और ये मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, ये पार्वती और शिव का मंदिर है, तो इसको पार्वती आश्रम बोलते हैं। और आ गए हैं हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में, तो चलिए देखते हैं कितना बड़ा सा है यूनिवर्सिटी। और ये शहर के थोड़ा बाहर में है, और मैं वैसे बहुत सारी वीडियोस में, तो मेरे पिछले वीडियो जो देखते होंगे वो देखे होंगे, मैंने कई वीडियो में ये दिखाया हुआ है। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं टहलने के लिए और साइकिलिंग करने के लिए। देखिए कितना दूर तक जो है ये जगह है, इसमें बहुत बड़ा स्पेस है, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे टहलने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए, बाइक हो कार हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। और पूरा भी बना हुआ नहीं है अभी, मतलब कम ही बना है, ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। इस वजह से है जो है बहुत खाली खाली सा है। और श्रेया इसमें मतलब 5-6 दिन से आ रही है। देखिए, ये ऑफिस है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ तक तो लेकर अभी नहीं चलूँगी, कभी और फिर आती हूँ तो देखती हूँ। श्रेया जो है गाड़ी पर अपना बैठ गई है और पापा उसके बता रहे हैं कि कैसे कैसे चलाना है। बड़ी जिम्मेवारी होती है एक कि बच्चों को जो है कुछ सिखाने की, तो ये सारे चीज़ जो है पेरेंट्स को ही करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो पापा उसके कई दिन से मतलब सिखा रहे हैं, और गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो कराना चाहिए कि बच्चे जो हैं कुछ सीख जाए गर्मी की छुट्टियों में, या फिर छोटी कोई भी 2-4 दिन की छुट्टियां हो, तो बच्चों को कुछ सीखने और सिखाने का मौका देना चाहिए। देखिए जो है अभी चला ले रही है, पहले तो क्या है कि अंदर ही चलाती थी, अभी जो है ये यहाँ पे ये जो है कांटे वाले जो तार होते हैं उससे जो है घेर दिया गया है अंदर नहीं जाने के लिए।
नहीं तो अंदर जो है काफ़ी सेफ रहता है, लेकिन खैर अभी हम लोग की नज़र में जो है चला ही रही है और ध्यान दे करके भी चला रही है। यहाँ पे जो हेलीपैड ये बना हुआ है यहीं पे पहले चलाया करती थी, मतलब 3-4 दिन जो 5 दिन आई है वो इसी में चलाई है। और देखिए हम लोग चलते हैं अंदर और तब तक वो चलाती है जब तक हम लोग टहलते हैं, हम लोग भी मतलब आए हुए हैं तो कुछ फ़ायदा लेना चाहिए। तो वैसे तो देखिए गर्मी की वजह से सारे घास जल चुके हैं, काट एकदम मतलब पैर में चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो है घास पे चलना तो काफ़ी फायदेमंद होता है। तो मैंने जो है चप्पल खोल दी है, हस्बैंड भी, और चलिए हम लोग जो है घूमते हैं। आप भी मेरे साथ आइए, आप भी साथ में ही हैं वैसे तो। बहुत ही बड़ा सा जगह है, इतना बड़ा तो घूमने को मिलता नहीं है, मतलब क्या मैं बताऊं। देखिए अभी हम लोग जो है यहाँ से वहाँ तक सभी जगह जो है घूम लेंगे, तो आपको मैं ऐसे पूरा जो है मुआयना करा रही हूँ कि देखिए कितना दूर तक है, मतलब कि और भी आगे भी है। मतलब हम लोग तो अभी सिर्फ आगे ही पे हैं, मतलब गेट पे ही हैं, और अंदर की तरफ तो हम लोग अभी गए भी नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, तो पापा उसके खड़े होके देख रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, हमेशा चिंता सी बनी रहती है। लेकिन अच्छा मतलब कि बाइक जो है चला ले रही है, आप भी देखिए कितना अच्छा से चला रही है। 2-3 राउंड तो अभी तक हो चुके हैं इसके, तो उसके बाद से जो है कि उसने बोला कि अब मैं उतर के आती हूँ। इसको लग रहा था कि इसमें जो है तेल ख़त्म हो गया है, तो बाद में वैसे देखे हस्बैंड तो बोले कि नहीं है अभी, लेकिन हाँ मतलब कि ख़त्म ही होने वाला है। अब ये भी अंदर आ रही है हम लोग के साथ में घूम टहलने के लिए, और बोली कि अब मुझे जो है लग रहा है कि तेल इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अंदर के लिए जैसे ही आ रही है तो पापा बोले कि अरे चाबी तो तुम लाई ही नहीं, और दूर तक हम लोग निकल जाएंगे तो कोई गाड़ी लेकर के चला जाएगा। तो बच्चे पहले जिम्मेवारी जो है नहीं समझते हैं इन चीज़ों का, उसके बाद से जो है चाबी वगैरह का तो खासकर, तो फिर से चाबी निकाल करके और फिर वो आ रही है अंदर, और हम लोग जो है फिर से टहलने का जो है शुरू कर दिए हैं यहाँ से वहाँ तक। और अभी जो है सूरज जो है बादल ने सूरज पे छाया हुआ था, इस वजह से अभी गर्मी नहीं है तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो आजकल तो सुबह सुबह ही एकदम से जो है ड्यूटी पे आ जाते हैं भगवान जी। तो चलिए देखिए कितना दूर तक जो है स्पेस है इसका, और जो है कि देखिए इधर पेड़ पौधे भी हैं, तो वहाँ तक हम लोग आए हैं, मतलब बहुत दूर तक, करीब करीब इसके अंदर ही 1-1.5 किलोमीटर हम लोग जो है टहल लिए अभी तक तो। और देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको सूरज कि किस तरह से दिख रहा है, तो उस पर बादल छाए हुए हैं। वैसे तो एकदम बारिश का तो कोई नाम निशान ही नहीं है कई दिनों से, और बहुत ही गर्मी है। मैं कई बार इसमें जिक्र कर रही होंगी तो आपको लग रहा होगा कि कितनी बार ये कह रही है गर्मी गर्मी, तो वाकई इस बार तो गर्मी ऐसी पड़ी है ना बिहार में कि बार बार गर्मी गर्मी ही कहना निकलता है। और इस वजह से मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा नहीं बना रही। देखिए यहाँ पे जो है ईंट लगा रखे थे बच्चों ने, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ईंट क्यों लगा है इस तरह से, तो हस्बैंड से पूछा तो बोले कि ये ऐसे करके सांप जैसे जो है घूम घूम के लहरिया जिसको कहा जाता है, वैसे लड़के जो हैं गाड़ी साइकिल इस तरह से चलाया करते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना श्रेया भी इस तरह से चलाए तो उसको मुड़ाने का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे तो चला रही है लेकिन हैंडलिंग उसको मतलब कि मुड़ाना वगैरह करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर श्रेया ने कहा कि चलो उधर से आगे से जो है मैं अंदर घुसती हूँ, तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत आगे से एक जगह थोड़ा सा खुला हुआ स्पेस है, तो वहाँ से श्रेया को घुसने के लिए बोला गया है कि अंदर आ जाओ श्रेया, उधर से थोड़ा अभी कांटे वाली तार नहीं लगी हुई है इस वजह से। तो श्रेया जो है उधर से मतलब घुसने की प्रयास कर रही थी, लेकिन जो है अंदर है गड्ढा गड्ढा जैसा है, बराबर नहीं है, तो उसको हो रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो वही हम लोग खड़े होकर देख रहे थे कि श्रेया जो है अपने काम में जो है कामयाब हो रही है कि नहीं, अंदर घुसा पा रही है कि नहीं। हस्बैंड खड़े होकर देख रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं घुसाएगी गिराएगी क्या करेगी, तो उसका भी डर था। और देखिए मैं यहाँ पे थक हार के बैठ गई हूँ, काफ़ी टहलना हो गया है
तो यहाँ इस तरह से बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है आपको। मैं ये कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ कि देखिए कहाँ से जो है वो टर्न ले रही है श्रेया, और मतलब कि वही जो ईंटे जो लगा रखे हैं, मैंने कहा कि उसी से जो है घुमा घुमा के घुमाऊदार जैसे घुमाओगी तो अंदर जैसे सेफ भी है और ऐसा सीख भी जाओगी। तो वो आ गई है अंदर और उसने जो है इस तरह से थोड़ा बहुत कोशिश किया है, बहुत तो नहीं कर पाई है, और भी आएगी जाएगी तो हो जाएगा। और उसको लग रहा था कि इसका फ्यूल जो है ख़त्म हो चुका है, तो बार बार देख रही थी। तो हस्बैंड बोले कि ऐसे है, इतना भी नहीं है कि कम नहीं है, लेकिन चलो इतना जो है कि रहने देते हैं और चलिए आगे मतलब पेट्रोल पंप पर से तेल भरा लेंगे। और यही सब बातचीत होते होते और अब हम लोग जो है समय देखिए सूरज जो है अब निकल आया है तो घर चलते हैं। तो वैसे तो 5:30 का ही समय हो रहा था, लेकिन अब चलते हैं घर पे। इधर से जाए जाए लहरिया का दर्शन का समय 6 बजे से 12 बजे। अगर आश्रम है तो जैसा कि आपने देखा ही मतलब कि टाइम जो है वो अलग था, मतलब 6 बजे से, और 6 नहीं बजे हुए थे, और 6 बजे तो एग्जैक्ट खुल नहीं सकता, वैसे भी अगर 6 बज ही रहे होंगे तो मंदिर अभी खुला नहीं था तो हम लोग जो है कि दर्शन नहीं कर पाए। कभी ना कभी आपको मैं दर्शन कराऊंगी। 6 से 12 मंदिर का जो है खुलने का टाइम था और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है ये। और देखिए यहाँ पे हम लोग जो है तेल भराने के लिए आ गए हैं, तो यहाँ से जो है तेल भरा लेंगे और आगे फिर चलेंगे। चाय पीने का बहुत ही मन था तो हमने कहा कि चलिए अभी तो वैसे भी समय है, क्योंकि 7 से 7:30 तक जो है मेरा जो है दूध आता है, तो चाय जो है घर पे भी जाके अभी मिलेगा नहीं तो चला जाए चाय पीने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है चाय वाला, मिस्टर चाय वाला ऐसे करके एक जो है शॉप थी चाय की, तो यहीं पे हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी चाय इन्होंने बना करके पिलाई है, और कभी कभी बाहर की भी चाय जो है एक अलग ही चेंज लाता है। मतलब कि घर पे तो कितना भी अच्छा हम लोग पीते ही हैं, मतलब जेंट्स लोग तो पी ही लेते हैं, लेकिन हम लोग को तो मौका मिलता भी नहीं है वैसे। तो मैंने कहा कि चला जाए अभी बाहर से ही जो है चाय पी करके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे बहुत दिनों से मेरा मन था कि जब ज़रा चाय पीऊँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का जो है चाय का बनने का ये है, और चाय की जो है रेट वगैरह लिखी हुई है, और चाय, चॉकलेट, ब्रेड, बिस्किट यही सब जो है यहाँ पे इन सब चीज़ों की शॉप थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ थी। देखिए आई लव चाय ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है चाय हम लोगों ने पी और बहुत ही अच्छी इनकी जो है सर्विस थी, और फीडबैक भी लिया इन्होंने, खास करके लेडीज़ जो हैं चाय के वजह से फीडबैक लिया।
तो जी हम तीनों ने चाय पी ली और श्रेया को मैंने कहा कि ये बिस्किट भी ले लो, तो उसने मना कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगता है मेरा ये वीडियो, आप ज़रूर से कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग घर पे आ गए हैं और इसका जो है पार्ट दूसरा भी आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इस वजह से जो है मैंने इतना ही वीडियो बनाया है। और आगे घर पे जा कर के हम लोगों ने क्या किया है वो अगले वीडियो में देखिए।